आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपके साथ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के संबंध में कुछ जानकारी साझा करने जा रहा हूं। केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना यानी के SGSY के मूल्यांकन के बाद SGSY को नया स्वरूप व पुनः संरचना करके राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी के NRLM के रूप में पुनर्गठित किया। SGSY वर्ष 1999 में लागू की गई और वर्ष 2011 में देश भर में SGSY के स्थान पर NRLM को लागू कर दिया गया। जैसे कि ग्रामीण विकास मंत्रालय का उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों को देश की मुख्य धारा से जोड़ना और विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए उनकी गरीबी दूर करना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने जून 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत की। NRLM का मुख्य उद्देश्य गरीब ग्रामीणों को सक्षम और प्रभावशाली संस्थागत मंच प्रदान कर उनकी आजीविका में निरंतर वृद्धि करना व वित्तीय सेवाओं तक उनकी बेहतर और सरल तरीके से पहुँच बनाना और उनकी पारिवारिक आय को बढ़ाना है, ताकि उन्हें स्थायी आजीविका के माध्यम से घरेलू आय में वृद्धि करने में मदद मिल सके और वित्तीय सेवाओं में सुधार हो सके। NRLM की मदद से गरीबों को अधिकारों, सार्वजनिक सेवाओं और सशक्तिकरण के बेहतर सामाजिक संकेतकों तक पहुंच बढ़ाने में मदद मिलेगी। नवंबर 2015 में कार्यक्रम का नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना यानी कि DNRLM कर दिया गया। ग्रामीण गरीब परिवारों की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए उनकी सशक्त एवं स्थायी संस्थाएं जैसे कि स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन, क्लस्टर लेवल फेडरेशन बनाकर लाभदायक स्वरोजगार एवं हुनरमंद मजदूरी वाले रोजगार के अवसर प्राप्त कराने में समर्थ बनाना है, जिससे उनकी गरीबी कम हो, जिसके नतीजन उनकी जीवन शैली में लगातार उल्लेखनीय सुधार हो सके। के परिणाम स्वरूप जमीनी स्तर के संस्थानों के निर्माण के माध्यम से स्थायी रूप से उनकी आजीविका में सराहनीय सुधार हो। अब हम बात करेंगे NRLM के सिद्धांतों के बारे में। गरीब लोगों में गरीबी मिटाने की मजबूत इच्छा शक्ति होती है और इसके लिए उनमें जन्मजात क्षमताएं भी होती हैं। लोगों की क्षमताओं को उभारने के लिए उनकी सामाजिक एकजुटता के साथ साथ सशक्त संस्थाएं बनाना भी बहुत जरूरी है। जानकारी का प्रचार प्रसार, कौशल विकास, उदार की सुविधा, बाजार तक पहुंच एवं आजीविका से जुड़ी अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने से गरीब लोग स्थायी आजीविका प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम सामाजिक समावेश की बात करें तो NRLM यह सुनिश्चित करता है कि सभी राज्य सहभागिता की पद्धति अपनाएं, जिससे प्रत्येक निर्धारित ग्रामीण गरीब परिवारों से कम एक सदस्य विशेषकर महिला को समयबद्ध तरीके से स्वयं सहायता समूहों में जोड़ा जाए। NRLM के तहत समूहों में शामिल किए जाने वाले सदस्यों की पहचान समुदाय के स्तर पर अच्छी तरह से प्रभाषित पारदर्शी व न्याय संगत प्रक्रिया द्वारा ही की जाती है, जिसे PIP यानी कि पार्टिसिपेटरी इन्फॉर्मेशन ऑफ पुअर कहा जाता है। NRLM उनके संस्थागत और वित्तीय प्रबंधन क्षमता को मजबूत बनाने व उनके ट्रैक रिकॉर्ड के निर्माण के लिए गरीबों की संस्थाओं को रिवॉल्विंग फंड और कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड के रूप में पैसा उपलब्ध करवाता है। NRLM के द्वारा स्वयं सहायता समूहों को कम ब्याज दरों पर बिना कुछ गिरवी रखे बैंकों से 10 लाख रुपए तक का लोन भी दिलवाया जाता है। अगर हम आजीविका की बात करें तो NRLM गरीबों की मौजूदा आजीविका विकल्पों के विस्तार व कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों में नए अवसरों के माध्यम से उनकी आजीविका बढ़ाने व कौशल निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। NRLM के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों और उनके महासंघों के माध्यम से ज्ञान, कौशल, प्रौद्योगिकी, बाजार, जोखिम प्रबंधन और ऋण सहायता के लिए पहुंच प्रदान की जाती है। अगर हम कन्वर्जेंस की बात करें तो NRLM सुनिश्चित करेगा कि
SRLM प्रमुख सरकारी कार्यक्रमों के साथ सहभागिता विकसित करे और गरीबी तथा अभाव के अलग अलग पहलुओं पर ध्यान देने के लिए तालमेल स्थापित करे, जैसे कि अधिकारों के लिए PDS, मनरेगा, सामाजिक सुरक्षा व शिक्षा का अधिकार सभी को मिल सके, जीवन स्तर में सुधार हेतु स्वास्थ्य और पोषण, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, स्थायी आवास, बिजली इत्यादि सब मिल सके, क्षमता बढ़ाने हेतु प्रारंभिक शिक्षा, व्यावसायिक तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास इत्यादि सभी को प्राप्त हो सके, आजीविका के अवसर हेतु संस्थागत वित्त, खेती, पशुपालन, वाटरशेड, MSME इत्यादि के फायदे सभी को मिल सकें, बुनियादी संरचना जैसे कि सड़क, बिजली, दूरसंचार इत्यादि तक सभी की पहुंच हो सके। और आखिर में हम बात करेंगे पंचायती राज संस्थाओं के साथ तालमेल की। NRLM सुनिश्चित करेगा कि पंचायतों और निर्धन वर्ग की संस्थाओं के बीच परस्पर लाभकारी रिश्ते तथा बातचीत का औपचारिक मंच इस तरह से तैयार किया जाए कि पंचायती राज संस्थाएं NRLM की अनेक गतिविधियों में सक्रियता से शामिल रहें। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।